विष्णु के 16 प्रधान पार्षदों में श्री हनुमान जी का वर्णन भक्तमाल ग्रंथ से। भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा शंकर जी अपने रूप से तो कर नहीं सकते थे, अतएव उन्होंने 11वें रुद्र के रूप में इस प्रकार वानर रूप में अवतरित किया। जन्म के कुछ ही समय पश्चात महावीर हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को कोई लाल लाल फल समझा और उसे निगलने आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है, तब वह उस आने वाले को पकड़ने चले, किंतु जब वायु पुत्र उसकी ओर बढ़े तब वह डर भागा। राहु ने इंद्र से पुकार की। इरावत पर चढ़कर इंद्र को आते देख पवन कुमार ने इरावत को कोई बड़ा सा सफेद फल समझा और उसी को पकड़ने लपके। घबरा कर देवराज ने वज्र से प्रहार किया। वज्र से इनकी थोड़ी हनु पर चोट लगने से वह कुछ टेढ़ी हो गई। इसी से ये हनुमान कहलाने लगे। वज्र लगने पर ये मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित देखकर वायुदेव बड़े कुपित हुए। उन्होंने अपनी गति बंद कर ली। श्वास रुकने से देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान को सभी लोकपालों ने अमर होने तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्ट किया। जाति स्वभाव से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रमों में वृक्षों का सहज चपलतावश तोड़ देते थे तथा आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते थे। अतः ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अपना बल भूल जाओगे। जब कोई तुम्हें स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। तब से ये सामान्य वानर की भांति रहने लगे। माता के आदेश से सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद वेदांग प्रवृत्ति समस्त शास्त्रों एवं कलाओं का इन्होंने अध्ययन किया। इसके पश्चात किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बलि ने सुग्रीव को मार कर निकाल दिया तब भी ये सुग्रीव के साथ ही रहे। सुग्रीव की विपत्ति के साथी होकर ऋषिमुख पर्वत पर ये उनके साथ ही रहते थे। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रह पूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित सुना था। अध्ययन के समय वेद में पुराणों में श्री राम कथा का अध्ययन किया था। किष्किंधा आने पर यह भी ज्ञात हुआ कि परात पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार ग्रहण कर लिया है। अब वे बड़ी उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख को संतोष पूर्वक भोगते रहकर हृदय वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है, हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम गुण का गान कीर्तन और शरीर से भगवान का पूजन करता रहता है, वह मुक्ति पद का स्वत्वा अधिकारी हो जाता है। श्री हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। वे तो अहर्निश अपने स्वामी श्री राम के ही चिंतन में लगे रहते थे। अंत में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी को चुरा लिए जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋषिमुख के पास पहुँचे। सुग्रीव को शंका हुई कि इन राजकुमारों को बाली ने मुझे मारने तो नहीं भेजा, अतः परिचय जानने के लिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा। विप्रवेश धारण कर हनुमान जी आए और परिचय पूछ कर जब अपने स्वामी को पहचाना तब वे उनके चरणों में गिर पड़े। वे रोते रोते कहने लगे, एकु मैं मदमोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के चरणों के समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। राज्य भोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देख हनुमान जी ने उन्हें सीतान्वेषण के लिए सावधान किया। वे पवन कुमार ही वानरों को एकत्र कर लाए। श्री राम जी ने उनको ही अपनी
अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन समुद्र लागने के प्रश्न आने पर जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य को संपन्न करने के लिए हुआ है, तब अपनी शक्ति का बोध कर केसरी किशोर उठ खड़े हुए। उनके बल और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजी हुई नाग माता सुरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी राक्षसी सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका पहुँचे। द्वार रक्षिका लंकनी को एक घूसे में सीधा करके छोटा रूप धारण कर ये लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हुए। विभीषण जी से पता पाकर अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन किए। उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाले। रावण के भेजे हुए राक्षसों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाथ इन्हें ब्रह्मास्त्र में बांधकर राज्यसभा में ले गया। वहां रावण को भी हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी। राक्षस राज की आज्ञा से इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने उसी अग्नि से सारी लंका फूंक दी। सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप लौट आए। समाचार पत्र पाकर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया, संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि। वानरी सेना के संकट के समय वे सदा सहायक रहे। राक्षस उनकी हुकार से ही कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो गए, तब मार्ग में पाखंडी काल नेमी को मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी उखाड़ लाए और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। मायावी अहिरावण जब माया करके राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि से चुरा ले गया, तब पाताल जाकर अहिरावण का वध कर हनुमान जी श्री राम जी को भाई लक्ष्मण के साथ ले आए। रावण वध का समाचार श्री जानकी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं यह आनंददायक समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रम की मूर्ति है, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया। जब वे लंका जलाकर अकेली ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे और प्रभु ने पूछा कि त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को तुम कैसे जला सके, तब उन्होंने उत्तर दिया, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा तेज शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी आजन्म नास्तिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के महान पंडित हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अतुल पराक्रमी हैं। श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार देवर्षि दानवों के एक महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देवर्षि नारद जी आदि गा रहे थे। अन्यान्य देव ऋषि दानव भी योग दे रहे थे। इतने में ही हनुमान जी ने मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गान आरंभ किया कि जिसे सुनकर उन सब के मुख म्लान हो गए, जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे, और वे सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए तथा चुप होकर सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान जी गा रहे थे। श्री राम जी के अश्वमेघ यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए, तब उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार भीम, अर्जुन और गरुड़ जी को आपने अभिमान से भी बचाया था। कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने वज्र नख से पर्वत की शिलाओं पर एक रामचरित काव्य लिखा था। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ
कि यदि यह काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरे आदि काव्य का समादर ना होगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में डाल दी। सच्चे भक्तों में यश मान बढ़ाई की इच्छा का लेश भी नहीं होता, वह तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाता है। श्री राम कथा श्रवण राम नाम कीर्तन के हनुमान जी अनन्य प्रेमी हैं। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है वहाँ वे गुप्त रूप से आरंभ में ही पहुँच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वहाँ वे खड़े ही रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बराबर आंसू झरते रहते हैं। श्री प्रियादास जी महाराज हनुमान जी की भक्ति का वर्णन करते हुए एक प्रसंग में कहते हैं, रावण के कोष में समुद्र मंथन के समय निकले सभी दिव्य रत्न संचित थे। उसके वध के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने उन दिव्य रत्नों की एक माला बनाई और कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उसे श्री राम प्रभु के चरणों में अत्यंत भक्तिपूर्वक निवेदित किया। उस दिव्य रत्न माला के लिए समस्त वानर भालुओं का मन लालायित हो गया। वहाँ श्री हनुमान जी भी थे, परंतु उनका मन तो अपने आराध्य प्रभु रूप सुधा का पान करने में ही मग्न था। यह देखकर प्रभु ने वह माला श्री हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी ने उस माला को उलट पलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकालकर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हनुमान जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया, इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन है। इस पर विभीषण जी ने कहा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हुए हैं? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया तो उनके अंत स्थल में विराजमान श्री राम सीता के दर्शन सबको हुए।